तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई। प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी रवाना हुई थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों से मिलने के लिए सोमवार सुबह लखीमपुर खीरी पहुंचने वाली थी, लेकिन उन्हें हरगांव के पास हिरासत में ले लिया गया। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई इस हिंसा में 8 लोग मारे गए थे। वो रात 1 बजे रवाना हुई थी। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर बताया कि प्रियंका गांधी को हरगांव से हिरासत में लेकर सीतापुर लाइन ले जाया जा रहा था। यूपी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी से पुलिस कर्मियों ने जोर जबरदस्ती भी की, जिसका मुखर विरोध किया गया। प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वो ऐसे उन्हें साथ नहीं ले जा सकते, पहले वो अरेस्ट वारंट दिखाए और फिर गिरफ्तार करके ले जाए। पीटीआई के मुताबिक प्रियंका सुबह 6 बजे के करीब लखीमपुर खीरी की सीमा पर पहुंची थी। हालांकि इससे पहले पार्टी ने आशंका जताई कि प्रियंका लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस नज़रबंद कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रविवार के लखीमपुर खीरी दौरे का विरोध करने के लिए भड़की हिंसा में घायल हुए किसानों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वहां जा रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीतापुर पुलिस लाइन को 2nd बटालियन के गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गेट के अंदर घुसने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई हाथापाई। कांग्रेस कार्यकर्ता लगा रहे 2nd बटालियन के गेट के बाहर पुलिस विरोधी नारे भी लगा रहे थे। लखीमपुर खीरी के पहले हरगांव में हिरासत में लिए जाने के दौरान प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस वाहन में उन्हें कैसे ले जाया जा रहा है। धक्का मुक्की पर प्रियंका ने पुलिस कर्मियों को चेताया कि यह अपहरण, छेड़छाड़ और मारपीट का मामला बन सकता है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 140 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस 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 आधार पर मुझे रोक रहे हो, किस आधार पर रोक रहे हो मुझे? आइए आइए दीपेंद्र जी, क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है वो, मैं सांसद हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका, आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको, बैठेंगे बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, हम इससे करिए काम। गिरफ्तार करने की चुनौती भी प्रियंका ने पुलिस कर्मियों को दी। उन्होंने पुलिस अफसरों और मंत्रियों से वारंट लाने या ऑर्डर लाने को कहा। प्रियंका ने कहा कि कानून वो भी समझती है। यूपी में भले ही कानून का पालन न हो, लेकिन देश में ऐसा कानून है। अधिकारियों के अनुसार हिंसा की घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई। प्रियंका और पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हड्डा रविवार की रात में लखनऊ पहुंचे। डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिलाओं से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी। और देखना आपको सारों का चार्ज। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आपने जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी? इससे पहले देर रात कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया, प्रियंका लखीमपुर खीरी रवाना हो गई। इससे पहले पार्टी के एक नेता ने कहा था, प्रियंका अभी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई है, उन्हें नज़रबंद किए जाने की पूरी आशंका है। मकान के बाहर 300 पुलिसकर्मी और 150 महिला कांस्टेबल है, 300 से ज़्यादा पार्टी कार्यकर्ता भी है। प्रियंका ने हिंसा की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और जानना चाहा है कि क्या किसानों को इस देश में जिंदा रहने का अधिकार है। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्होंने जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें गोली मारकर गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया जाएगा। बहुत हो चुका, ये किसानों का देश है, भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज बुलंद होगी। गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है, कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से
लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे।